खबर पन्ना जिले से है, जहां निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आ गया। साथ ही पन्ना के नवागत कलेक्टर सुरेश कुमार निष्पक्ष और शत प्रतिशत चुनाव करवाने के लिए दल बल के साथ तैयारी में लग गए। इसी क्रम में जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट भवन से मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला पंचायत सीओ संगप्रिय ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है, जिसमें खजुराहो लोकसभा सीट में 26 अप्रैल को मतदान होगा। इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विधानसभा 2023 के चुनाव के दौरान जहां पर भी 75% से भी कम वोटिंग प्रतिशत रहा है, वहां पर आयोग के द्वारा विशेष रथ भेजे गए हैं। साथ ही ये रथ पूरी विधानसभा में जाएंगे और मतदाताओं को लोकतंत्र के इस महापर्व को उत्सव के रूप में मनाने के लिए जागरूक करेंगे। पन्ना से रमाशंकर द्विवेदी की रिपोर्ट। कि हम सबको पता है कि अभी लोकसभा निर्वाचन की घोषणा हो गई है, उसके अंतर्गत अपने खजुराहो लोकसभा सीट में 26 अप्रैल को मतदान होगा, तो इसके अंतर्गत स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। तो इसमें मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो 75% से कम जहाँ पर विधानसभा 2023 में मतदान हुआ था, तो उन विधानसभा क्षेत्रों के लिए आयोग द्वारा विशेष रथ भेजे गए हैं। ये रथ पूरी विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और मतदाता जागरूकता के संबंध में अधिक से अधिक मतदान करने के लिए और लोकतंत्र के उत्सव को मनाने के लिए ये एक रथ चलाए जाएंगे।